कार, नशा, रफ्तार, गुनाह और गिरफ्तारी। दरअसल इन पांच शब्दों ने महाराष्ट्र के पुणे को पिछले दिनों से कुछ इस कदर चर्चाओं में ला दिया कि जब भी पुणे के कार एक्सीडेंट मामले को याद किया जाता है तो फिर किसी की भी रूह कांप जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। वाकई पुणे कार एक्सीडेंट की जिस तरह से जो कहानी शुरू हुई और घटना के बाद से ही लगातार जो नए मामले सामने आ रहे हैं वो वाकई सनसनीखेज तो हैं ही, लेकिन साथ ही प्रशासन पर भी सवाल खड़े करते हैं। यहां एक नाबालिग की ओर से जिस तरह मौत का खेल खेला गया, परिवार की ओर से जिस तरह पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई, आरोप किसी और पर डालने की कोशिश की गई और फिर जिस तरह पुलिस ने अपनी जांच में सच का जो पिटारा खोला वो वाकई चौंकाता है। यानी लगातार नए नए खुलासे। अब देखिए, पहले आरोपी नाबालिग युवक के पिता और फिर उसके बाद दादा को सलाखों के पीछे पहुंचाया और अब पुलिस ने जो सनसनीखेज खुलासा किया है उसके बाद तो लगता है कि अभी और दूसरे राज भी खुलने बाकी हैं। दरअसल अब इस मामले में ब्लड सैंपल के हेर फेर का पहलू सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के HOD समेत दो डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल गायब करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि ब्लड सैंपल के जरिए आरोपी के शराब पीने के बारे में जांच होनी थी, लेकिन सैंपल गायब किए जाने के बाद ये पुष्टि नहीं हो पाई कि आरोपी ने कार ड्राइव करते वक्त शराब पी हुई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी के ब्लड का सैंपल लेने वाले डॉक्टर हेलनोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि उन्होंने फॉरेंसिक विभागाध्यक्ष यानी फॉरेंसिक विभाग के जो HOD थे डॉक्टर अजय दवारे के निर्देश पर ब्लड का सैंपल बदल दिया था। ब्लड सैंपल बदलने के लिए डॉक्टर हेलनोर को 3 लाख रुपए मिले। पुलिस कहती है कि आरोपी नाबालिग का 2 बार एल्कोहल ब्लड टेस्ट कराया गया और इसमें से पहले सैंपल की जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई थी। यानी पहला जो सैंपल चेक किया गया था उसकी रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन दूसरे टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। दूसरे टेस्ट में आरोपी के ब्लड में एल्कोहल मिला हुआ था, यानी पहले टेस्ट में सैंपल को बदला गया था। अब पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार कहते हैं कि नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल ने ही डॉक्टरों से ब्लड सैंपल बदलने के लिए कहा था। डॉक्टर ने ओरिजिनल ब्लड सैंपल डस्टबिन में फेंक दिया था और किसी अन्य शख्स का सैंपल लेकर रिपोर्ट बनाई थी जिसने शराब नहीं पी हुई थी, तो जाहिर सी बात है वो रिपोर्ट नेगेटिव आनी थी। तो पुलिस उस शख्स की पहचान करने की भी कोशिश कर रही है कि आखिर वो व्यक्ति कौन था जिसकी रिपोर्ट को यहाँ इस्तेमाल किया गया था, यानी जिसके सैंपल से नाबालिग की पहली रिपोर्ट बनाई गई थी। एक्यूज्ड का सैंपल लिया था लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उसपे उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। ये चीज उसने डॉक्टर अजय तावरे के ससून हॉस्पिटल के HOD फोरेंसिक मेडिसिन के हैं, उनके कहने पे और उनके द्वारा और ये सब मिलके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके ये एक्ट, ये कंडक्ट उनकी हुई थी। इसलिए कल ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सभी सेक्शंस जो मैंने बताया इसके तहत दोनों डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक कुल 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको याद होगा कि 18-19 मई की दरमियानी रात 17 साल 18 महीने के आरोपी ने लग्जरी पोर्श कार से बाइक सवार एक युवक और युवती को टक्कर मारी थी और हादसे में IT सेक्टर में काम करने वाले 24 साल के अनीश अवधिया और अश्वनी कोष्टा की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी नाबालिग के दादा सुरेंद्र अग्रवाल ने 23 मई को दावा किया था कि घटना के वक्त कार उनका फैमिली ड्राइवर चला रहा था और आरोपी के पिता विशाल ने भी यही बात कही थी। पुलिस की पूछताछ में ड्राइवर ने भी पहले खुद गाड़ी चलाने की बात कबूल की थी। हालांकि क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने यह बताया कि ड्राइवर को फंसाने की साजिश नाबालिग के पिता और दादा के साथ में रची गई थी, यानी दोनों ने साथ में रची थी।
अब ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 365 यानी गलत तरीके से कैद करने के इरादे से अपहरण करना और 368 धारा 368 यानी गलत तरीके से छिपाना या कैद में रखना, इन दोनों धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पिता विशाल अग्रवाल को पुलिस ने बेटे को बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने की इजाजत देने के आरोप में 21 मई को गिरफ्तार किया था और वो अब 7 जून तक न्यायिक हिरासत में है। और वहीं दादा को 25 मई को गिरफ्तार किया और अब वो 28 मई तक पुलिस कस्टडी में है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण से पुलिस, जो पुणे पुलिस है, अब क्या नए राजफाश करती है।